हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रमाजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, ध्यान से, शांत दिमाग से वीडियो को देखना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया है, गुड न्यूज़ है। क्या है दोस्तों, जैसा आप सभी देख सकते हो, मैंने लिखा भी है कि सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बहुत जल्द 900 पदों पर एक भर्ती आ रही है। RPSC जल्द ही जारी करेगा विज्ञप्ति। अब 900 पदों पर दोस्तों कौन सी भर्ती आ रही है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं और इसके अंदर क्या स्टेप रहने वाले हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो भर्ती है वो RPSC के थ्रू आने वाली है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब कितने पदों पे आएगी? 900 पदों के ऊपर आने वाली है। भर्ती अच्छे लेवल की है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल की भर्ती है। आप लोग जब वीडियो देखोगे आपको सारा कुछ इसमें डिटेल वाइज पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, सीधी सीधी न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ कि RAS बात कर रहे हैं, RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS की नई भर्ती 900 पदों पर होगी। RPSC जल्द जारी करेगी विज्ञापन। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे RAS भर्ती की। कौन सी भर्ती की? RAS भर्ती की। RAS की भर्ती जो है वो अब 900 पदों पर होने वाली है। सर, इसका विज्ञापन कब जारी होगा? बहुत जल्द RPSC इसका विज्ञापन जारी करेगा। टोटल न्यूज़ देखिए दोस्तों क्या है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को RAS की नई भर्ती की अभ्यर्थना मिल गई है। यह 900 पदों पर होगी। अब आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन जारी करेगा। इसमें ही पदों की सही संख्या फाइनल होगी। कार्मिक विभाग की ओर से आयोग को RAS की अभ्यर्थना के 1200 से अधिक पेज मिले हैं। आयोग के संयुक्त सचिव ने अभ्यर्थना मिलने की पुष्टि की है। आयोग अभी इस अभ्यर्थना का अध्ययन और परीक्षण कराएगा। इसके बाद कोई कमी लगती है तो फिर इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी उसके अंदर सबसे पहले चेकिंग की जाएगी कि क्या ये जो पोस्ट वगैरह है वो सही हैं, क्या जितने पद यहाँ पे हैं वो सही हैं, क्या सारे खाली पद इसमें कवर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे तो बोर्ड इसमें दोबारा से इसकी अभ्यर्थना मांगेगा। आयोग ने RAS 2021 का विज्ञापन 20 जुलाई 2021 को जारी किया था। कुल 988 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अभी इंटरव्यू होना बाकी है। इसके इंटरव्यू की तिथि आयोग ने अभी तक घोषित नहीं की है। यानी कि दोस्तों 2021 वाला भी इंटरव्यू पेंडिंग है और अब 900 पदों के ऊपर RAS की और भर्ती आने वाली है। तो जिसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का ड्रीम है और या फिर जो तैयारी कर रहा है RPSC RAS की, उसके लिए काफ़ी शानदार और बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। आपको एक बार इसके अंदर ट्राई अवश्य करना चाहिए, एक बार आपको इसके अंदर ट्राई ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी और काफ़ी सीनियर मोस्ट लेवल की वैकेंसी हम लोग यहां पे कह सकते हैं। तो आप में से कौन कौन इसकी तैयारी करेगा, दिल लगा के कौन कौन तैयारी करेगा, पूरी जी जान से, जी तोड़ मेहनत कौन करेगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसकी जो तैयारी है वो कौन करेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। आपका कोई डाउट या क्वेरी इसमें रहता है या फिर आपको और डीपली इसकी जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग कमेंट करो, जहाँ पे लिखा हुआ टाइप है कमेंट, वहाँ पे जाके कमेंट को टाइप करो, आपको सारा जवाब इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये ज़रूरतमंद बात पहुँच जाए, ये अच्छी सी न्यूज़ पहुँच जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट, आप लोग वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब एक लक्ष्य लेकर के चलो कि आपको इस RAS की भर्ती के अंदर आपको तैयारी करके आपको एग्ज़ाम देना है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपके कमेंट का यार वेट करूंगा, प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है।